नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करते टाइम दोस्तों फाइनल सबमिट के दौरान आपका पेमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हो रहा है या पेमेंट सक्सेसफुली अपडेट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी से संबंधित समस्या के समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो चलते दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर देखिए हमने आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे ओपन कर लिया है। अभी हम यहां पर दोस्तों हमारे आधार नंबर और ओटीपी के द्वारा हमारा आधार लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए यहां पर डाउनलोड आधार के थ्रू भी हम आधार लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहां पर देखिए अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस। तो चलते दोस्तों अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा आधार लॉगिन कर लेते हैं। आधार लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहां पर देखिए लॉगिन बटन दिख रहा है, इसी बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। और आधार नंबर और ओटीपी के द्वारा दोस्तों हमारा जो आधार लॉगिन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आधार नंबर और ओटीपी के द्वारा हमने आधार लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए अपडेट आधार ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें जो इशू आ रहा है इसी ऑप्शन पर आ रहा है दोस्तों। तो चलते दोस्तों अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर देखिए लिखा है यू हैव ऑलरेडी एन एक्टिव ड्राफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस इंटरेक्शन विद द पोर्टल। मतलब कि दोस्तों इसके पहले हमने आधार अपडेट के लिए रिक्वेस्ट किया था जो अभी ड्राफ्ट स्टेज पर रुका हुआ है। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमें क्या आया था वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर आधार अपडेट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए हमने पूरा डिटेल्स भी फिल कर लिया। फिल करने के बाद दोस्तों जैसे ही हमने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद दोस्तों वहाँ पर कुछ एरर आता है। एरर आने के बाद दोस्तों हमारा पेमेंट तो सक्सेसफुली हो जाता है, मगर हमारा आधार अपडेट रिक्वेस्ट दोस्तों सक्सेसफुली कम्प्लीट नहीं होता है, जो अभी आपके सामने यहाँ पर देखिए शो भी कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा जो आधार अपडेट रिक्वेस्ट है वो अभी फ़िलहाल ड्राफ्ट स्टेज पर रुका हुआ है, जबकि अगर आप पेमेंट देखेंगे दोस्तों वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको ये SRN नंबर भी दिख रहा है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए। इसी SRN का हमने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया। तो पेमेंट पर जैसे हम जाते हैं यहाँ पर देखिए वो SRN नंबर सेम है। यहाँ पर देखिए उस SRN का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली देखिए 50 रुपीज़ का हो चुका है, ठीक है। मगर ये जो पेमेंट है दोस्तों उस SRN नंबर के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ़िलहाल ड्राफ्ट मोड पे रुका हुआ है। अगर हम दोस्तों इसे रेज्यूम करके दोबारा से पेमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। चलते हैं रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमने जो डिटेल फिल किया वो सब यहाँ पर है। हम चलते हैं इसे अलाउ कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए हमें 50 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो चलते इसे हम एग्री कर लेते हैं। एग्री करने के बाद दोस्तों मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके पहले यहाँ पर देखिए यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पेमेंट कैंसलेशन रिफंड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोसेस भी लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं अगर हम दोबारा से पेमेंट करने जा रहे हैं तो क्या लिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है सक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजेक्शन अवेलेबल फॉर द SRN नो फ्रेश पेमेंट रिक्वायर्ड। मतलब कि दोस्तों इस आधार अपडेट रिक्वेस्ट के लिए हमें दोबारा से पेमेंट नहीं करना है, हमारा जो पेमेंट है ऑलरेडी सक्सेस हुआ है मगर यहां पर सिर्फ अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम कस्टमर केयर पर भी कॉल कर लिए। कस्टमर केयर पर हम जैसे ही कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर वाले हमें बताते हैं कि इसके लिए हमें 48 आवर वेट करना पड़ेगा दोस्तों, मतलब कि 48 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा
48 घंटे के बाद दोबारा से हमें इसे लॉगिन करना है, जैसे अभी हमने फ़िलहाल लॉगिन किया है। जैसे ही दोस्तों हम रिज्यूम बटन पर क्लिक करेंगे, आगे दोस्तों हमें 50 रुपीज़ का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर अपडेटेड ऑलरेडी दिखाएगा और हमें डायरेक्ट सबमिट कर देना है। और वहीं टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, इफ़ मनी हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और क्रेडिट डेबिट कार्ड बट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द ऑर्डर कंफर्मेशन पेज और रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस वुड वेरीफाई द सेम एंड प्रोवाइड द करेक्ट स्टेटस ऑफ द पेमेंट। मतलब कि दोस्तों अगर आपका पेमेंट आपने कर दिया है आपके वॉलेट से, यानी मतलब आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट भी हो गया है और मगर आपका जो वहाँ पर पेमेंट जनरेट नहीं हुआ, मतलब स्लिप जनरेट नहीं हुआ है कंफर्मेशन पेज पर, तो उनका जो टीम है बैकएंड टीम वो उसे अच्छे से वेरीफाई करेगा और उसे आधार पोर्टल पर अपडेट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने टाइम भी पूछा तो उसके लिए बोल रहे हैं 48 घंटे लगता है। तो इन लोग का जो 48 घंटा होता है दोस्तों वो आपका कंटिन्यू जो 48 आवर चलता है कि हमने कंटिन्यू का सोच लिया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब कि दो दिन में 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो इनका ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये 48 आवर वर्किंग आवर काउंट करते हैं, मतलब कि दोस्तों आप एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हैं उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए कितना दिन होता है। ठीक है, उस हिसाब से आपका 48 आवर होता है 6 डेज में दोस्तों। और 6 डेज में अगर कोई हॉलीडे या कुछ यानी लीव आ जाता है उन लोग का तो वो उसमें काउंट नहीं होता है, तो उसका टाइम आप और आगे बढ़ा लीजिए, तो उतना टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसे अर्जेंट कंप्लीट करना है इस प्रोसेस को, तो उसके लिए एक और ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आपने अगर वो पेमेंट आपने जो किया है उसके अलावा आपने दोबारा से उसे कैंसिल करके या उस जो SRN को डिलीट करके दोबारा से आपने अगर पेमेंट किया फ्रेश पेमेंट नए SRN पर, तो आपका जो 50 रुपीज़ रहेगा आपने जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो पैसा आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप ये जो कैंसिलेशन रिफ़ंड पॉलिसी है उनका यहाँ पर सब लिखा हुआ है दोस्तों। तो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला पैसा, आपको अगर चाहिए तो 48 आवर वेट कर लीजिए, अदरवाइज दोस्तों आप उसे कैंसिल कीजिए, मतलब कि आप उसे डिलीट कीजिए और दोबारा से सेम प्रोसेस के थ्रू अपना फॉर्म फिल कीजिए, कोई और वॉलेट यूज कीजिए। अगर आप पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें मैंने किया उसमें प्रॉब्लम आया, तो कोई और वॉलेट यूज कीजिए जिसके थ्रू आप सक्सेसफुली पेमेंट कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा भी है, इफ़ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द पेमेंट रिट्राई ऑप्शन वी विल रिकॉन्साइल द ट्रांजेक्शन फॉर सक्सेसफुल स्टेटस देन वी विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। और यहाँ पर नीचे जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आपने पेमेंट दोबारा से रिट्राई कर दिया तो आपका जो रिफ़ंड होगा वो इनिशिएट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको अगर अर्जेंट दोबारा से ट्रांजेक्शन करना है तो आप उसे बिंदास डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप फ्रेश फॉर्म फिल करके दोबारा से आप अपना आधार अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपने जो पहले पेमेंट किया वो दोस्तों आपका पैसा जैसे वो वेरीफाई करेंगे उस पर कोई SRN नंबर नहीं जनरेट रहेगा तो वो पैसा आपको रिफ़ंड कर देंगे सेम वॉलेट में। ठीक है दोस्तों, अगर आप फ्रेश रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रीवियस रिक्वेस्ट जो ड्राफ्ट मोड में अवेलेबल है उसे आपको डिलीट करना होता है। ठीक है दोस्तों, डिलीट करने के लिए यहाँ पर देखिए डिलीट बटन दिख रहा है, डिलीट बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो प्रीवियस रिक्वेस्ट है जिसका ऑलरेडी आपने पेमेंट भी किया हुआ है वो रिक्वेस्ट आपका डिलीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पर दोबारा से जाकर आपका जो रिक्वेस्ट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और आपका पेमेंट स्लिप भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और रही बात आपका प्रीवियस पेमेंट का दोस्तों, प्रीवियस पेमेंट आपका जैसे ही SRN वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उस SRN के थ्रू अगर आपका कोई रिक्वेस्ट अवेलेबल नहीं रहता है तो आपका जो 50 रुपीज़ का प्रीवियस पेमेंट रहता है वो आपको रिफ़ंड के लिए इनिशिएट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या तो आप 48 आवर वेट कर लीजिए, अदरवाइज आप रिक्वेस्ट डिलीट करने के बाद फ्रेश रिक्वेस्ट कंप्लीट करके आप पावती डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ।